खबर बिजनौर से है, जहां कांग्रेस जिला अध्यक्ष शेरवाज पठान ने प्रेस वार्ता की है और भाजपा सरकार पर जमकर बरसे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष शेरवाज पठान ने जिला कांग्रेस कार्यालय पर भाजपाई मित्र अडानी के खिलाफ प्रेस वार्ता करते हुए जमकर भड़ास निकाली। जिला अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में बढ़ती बेरोजगारी एक चिंता का विषय है। वही उन्होंने कहा कि देश जनता की बजाय भाजपा अंबानी ग्रुप पर ही नजर रखते हुए कार्य कर रही है, जिससे देश में रह रही जनता पर बेरोजगारी का भार पड़ रहा है। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष मुनीष त्यागी, जिला महासचिव नजाकत अल्फी, जिला सचिव अब्दुल समद आजाद, मोहम्मद रफत, जुल्फिकार उस्मानी, सुधीर कुमार रवि, अदनान शेख आदि मौजूद रहे। आज दरअसल अडानी ग्रुप के जो को लेकर के हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, देखने में आया है जिस तरह से पहले अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट दिए थे, वही राइट आज बिल्कुल वही इतिहास दोहराया जा रहा है। वही राइट आज जो है मोदी सरकार अडानी ग्रुप को दे रही है। देश में उच्चतम बेरोजगारी है, कहीं रोजगार नहीं, कुछ नहीं, नौजवान परेशान हैं, किसान परेशान है, हर वर्ग परेशान है, व्यापारी परेशान है।